24 नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास तरीके से मनाने की योजना बनाई है। वही खुद पीएम मोदी अपने जन्मदिन को बहुत सादगी तरीके से मनाते हैं। आपको बता दें कि 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में पैदा हुए दामोदर दास नरेंद्र मोदी को लगातार 3 कार्यकाल तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखा गया। वही रिकॉर्ड तोड़ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं देश के, जिसकी वजह से इस बार लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रही है कि पीएम इस बार अपना बर्थडे कैसे मनाने वाले हैं। आपको बता दें कि हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतवासियों को नई सौगात देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना जन्मदिन मनाया उसको किस तरीके से मनाया और इस बार के जन्मदिन पर क्या कुछ खास होने वाला है। साल 2014 में पीएम मोदी को जन्मदिवस के अवसर पर माने 5001 रुपये उपहार स्वरूप दिए थे, जिसे प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत कोष में दान किया था। साल 2015 में प्रधानमंत्री ने अपना 65वां जन्मदिवस सेना स्मारकों को विजिट करते हुए मनाया। उन्होंने 1965 के इंडो पाक युद्ध के योद्धाओं तथा सशस्त्र बल के सैनिकों की वीरता को याद करते हुए सराहाया था। साल 2016 में पीएम मोदी ने अपना 66वां जन्मदिवस दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मिलकर मनाया था। उन्होंने उस दौरान छात्रों को स्कूल की मूल जरूरतों का सामान भी सौंपा था। यही कारण है कि 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2017 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जन्मदिवस गुजरात में छात्रों के साथ मिलकर मनाया। पीएम मोदी ने उस दौरान एक लंबा समय माता हीराबेन के साथ व्यतीत किया था। इसके साथ ही पीएम मोदी मार्शल अर्जुन सिंह के घर गए थे, जिनका अवसान 16 सितंबर 2015 को हुआ था। साल 2018 में प्रधानमंत्री ने अपना जन्मदिवस आम नागरिकों के बीच अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मनाया था। इस बीच उन्होंने विद्यार्थियों को कई उपहार भी भेंट किए। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जन्मदिवस स्वर्गीय माँ हीराबेन के साथ मनाया। उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया और छात्रों से मुलाकात की। साल 2020 में भी देश कोरोना की लहर से जूझ रहा था, ऐसे में भाजपा ने इस अवसर को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया, जिसमें पीएम मोदी ने जनता की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं को प्रारंभ किया। वहीं साल 2021 में प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिवस था। उस दौरान देश और दुनिया में कोरोना चल रहा था, ऐसे में पीएम मोदी ने जन्मदिवस के अवसर पर जनता को 2.26 करोड़ टीकाकरण किए। वहीं इस अवसर पर भाजपा ने स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य कैंप कई कार्यक्रमों की योजनाओं बनाई। बता दें, स्वच्छता अभियान की विपक्ष के कई नेता तारीफ भी कर चुके हैं। साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ 72 किलो का केक काटकर जन्मदिवस मनाया था। उस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद थे। पिछले साल पीएम मोदी ने अपना जन्मदिन देश के किसानों, शिल्पकारों और कारीगरों के साथ एक गेम चेंजर योजना की घोषणा करके मनाया था। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसका लक्ष्य कारीगरों को कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। पीएम मोदी ने दो प्रमुख परियोजनाओं, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार भी शुरू किया था। मोदी जनता मैदान में 3800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही राज्य की महिलाओं के लिए सीएम मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की सुभद्रा योजना लॉन्च करेंगे।